हर हर महादेव बोल बम। सावन की आज पहली सोमवारी और सोमवारी के साथ विश्व प्रसिद्ध का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और अभी हम बाबा वेदांत मंदिर परिसर में तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को। आप देख सकते हैं कि बाबा वेदांत मंदिर परिसर में काफी विहंगम नजारा आ रहा है। पूरा बाबा वेदांत मंदिर परिसर केसरियामय हो चुका है और सभी भक्त कतारबद्ध तरीके से बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा मुकम्मल व्यवस्था सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिससे जितने भी श्रद्धालु और शिव भक्त बाबा वेदांत धाम आए सुगमता पूर्वक और सुरक्षित जलाभिषेक कर सके। क्योंकि सावन का इस बार 5 सोमवारी पड़ा है और सावन की सोमवारी से ही सावन प्रारंभ हुआ है, ऐसे में जितने भी शिव भक्त है काफी आनंदित और प्रफुल्लित हो रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करना की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए आप लोग? कलकत्ता से। आप बताइए। कलकत्ता से। हाँ। सावन की आज सोमवारी है तो सोमवार को जलाभिषेक करके कैसा लगा? जलाभिषेक करके तो बढ़िया लगा, लेकिन इतना भीड़ होगी हम लोग को अनुमान नहीं था। तो आप जानते हैं बम की आज सावन है, उसके बाद सोमवारी प्रारंभ हुआ तो पहला दिन है तो लाजमी है ना? लाजमी भीड़ बहुत अतिरिक्त भीड़ हो गया, हम लोग मैंने कल्पना नहीं की थी। यहाँ अन्य बम भी है, जानते हैं। बोल बम कैसा लग रहा है पूजा करके? बहुत आनंद, जल चढ़ाने के बाद मन एकदम खुश हो गए। तो तस्वीरों के जरिए आप देखिए कितने शिवभक्त जो है कतारबद्ध तरीके से सभी लगे हुए हैं और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिससे जितने भी शिवभक्त आए उनकी मनोकामना पूरी हो। और चूंकि ये मनोकामना लिंग बाबा वेदनाथ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है और यहाँ जो भी भक्त जिस कामना से आता है उनकी पूरी होती है सभी मनोकामना। और सुल्तानगंज से लाखों कंवरिया यहाँ पे आते हैं और 105 किलोमीटर दूरी पैदल तय करते हुए बाबा धाम पहुँचते हैं और बाबा को जलाभिषेक करते हैं। तो लेकर यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी काफी संख्या में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम यहाँ के जो पुलिसकर्मी है, यहाँ के जो तैनात है, उन लोगों से भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। तस्वीर आज सोमवारी है, किस तरह की भीड़ और किस तरह की व्यवस्था में आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग सुचारू रूप से व्यवस्था को संचालन में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालु को कोई किस्म का दिक्कत नहीं हो, लाइन से हम लोग जलार्पण करा रहे हैं। कितने बजे से जलाभिषेक शुरू हो गया? लगभग 4 बजे से। 4 बजे से प्रारंभ हो गया, काफी भीड़ तो देख ही रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सभी दर्शन कर और जलाभिषेक कर सभी श्रद्धालु निकले हुए हैं और यहाँ सुरक्षा कर्मी सभी तैनात हैं और सभी सुरक्षित ढंग से सुगमता पूर्वक सभी जलाभिषेक कराने में जुटे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर सावन की सोमवारी है और सावन की सोमवारी से के साथ ही सावनी मेला आज से प्रारंभ हो गया है और काफी संख्या में सुगमता पूर्वक सभी जलाभिषेक कर जितने भी श्रद्धालु हैं सभी काफी आनंद महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।